हे गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए यूजफुल और टाइम सेविंग हो सकता है अगर आप वीडियो को ध्यान से और बिना स्किप किए देखते हैं तो। अगर आपको आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट या चेंज करना है और आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो बेफिक्र हो जाइए, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। आज आप जानोगे कि HOF के थ्रू बिना किसी डॉक्यूमेंट लगाए और बहुत ही आसानी से आप अपना एड्रेस अपडेट कैसे कर सकते हो। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इट्स वर्ड। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमें ओपन कर लेना है गूगल और इधर टाइप कर देना है myaadhar.uidai.gov.in। इसके बाद फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी उसे ओपन कर लेना है और फिर इधर आपको दिख जाएगा लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर आधार नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आधार से लिंकेड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया होगा तो इधर डालकर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद साइड में इधर आपको एड्रेस अपडेट दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब इधर आपको सेकंड ऑप्शन हेड ऑफ फैमिली HOF पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब इधर आपको आधार में जो पहले से एड्रेस अपडेट है वो दिख जाएगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब इधर आप जिस किसी का भी एड्रेस अपने आधार पर पेस्ट करना चाहते हैं उनका आधार नंबर इधर डाल देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और फिर सेलेक्ट HOF रिलेशन में जिनका आधार नंबर आपने अभी ऊपर डाला था वो आपके रिलेशन में कौन लगते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आपको सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इधर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख जाएंगे तो अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इधर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे फिर ओके कर देंगे। अब आपको ये पहले ही करके रख लेना है, आप जब आधार कार्ड में ये एड्रेस अपडेट करने के लिए बैठेंगे उससे पहले ही आपको जो है ये प्रोसेस कर लेना है ताकि जब आप अप्लाई करें तो उधर आपके पास पहले से जो है वो सेव होगा तो आप आसानी से उसको अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज आपको जो है बार बार न्यू टैब स्विच करना पड़ेगा। तो ये आप पहले करके रख सकते हैं। तो आपको न्यू टैब में फिर से माय आधार के होम पेज पर आ जाना है और इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको पेज नंबर 10 पर आ जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे, पेज में कस्टम कर 10 टाइप कर देंगे, फिर आपको साइड में दिख जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म HOF वाला, तो ध्यान से आपको इसी वाले फॉर्म को सेव कर लेना है, फिर इसको प्रिंट करके या करवा के इस फॉर्म को फिल कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। तो इधर फर्स्ट में आप HOF का नाम डाल देंगे जिनका एड्रेस आप अपने आधार में पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इधर HOF का फुल एड्रेस आप उनके आधार से देख कर डाल देंगे। उसके बाद HOF का आधार नंबर डालेंगे, फिर इधर जिनका आधार अपडेट होगा उनका नाम डाल देना है। जैसे अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद इधर आपका जो HOF के साथ रिलेशन है जैसे फादर या फिर जिनका भी आपने HOF में डाला है वो इधर डाल देंगे, फिर सेकंड में जिनका अपडेट होगा उनका नाम डालेंगे और फिर थर्ड में भी जिनका अपडेट होगा उनका नाम लिख देना है, फिर इधर आपके HOF का नाम और साइन और इधर जिस दिन आप इसे अपलोड करेंगे उस दिन का डेट डाल देंगे और फिर इसको स्कैन करके PC में सेव कर लेंगे। अब फिर आपको जिधर हम अपडेट कर रहे थे उधर आ जाना है और उधर व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया था सेल्फ डिक्लेरेशन वाला उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, फिर ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और अब आपको ₹50 का पेमेंट कर देना होगा तो इधर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ₹50 का पेमेंट कर देना है, फिर इधर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप को सेव कर लेना है अपने PC में। अब आपके HOF के पास जो है रिक्वेस्ट चला गया होगा तो उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही आपका आधार अपडेट होगा, अदरवाइज आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा। तो आप वो बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाकर वीडियो देख लीजिए और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आप अपना आधार अपडेट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।